हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियो जो आप अपलोड करते हो वो आपको कैसे करनी चाहिए और किस प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग यूट्यूब से और क्रोम ब्राउज़र से, दोनों जगह से आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आप यूट्यूब से ही अपलोड करें अपनी वीडियो को। ये प्लस पॉइंट को ओके करने के बाद आप यहाँ से यूट्यूब से ही अपनी वीडियो को अपलोड करें। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी हम अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। तो गाइस, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, सिंपली आप लोगों, अगर आप लोग क्रोम से अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां से अपलोड करना बंद करें, क्योंकि वहां से कोई भी वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी। अगर आप यूट्यूब से अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहां पे आपकी वीडियो को वायरल होने का ज़्यादा चांस होता है, आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है। तो गाइस, हम सिंपली यहाँ प्लस के आइकन पे सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों को आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपलोडिंग के टाइम क्या गलती करते हो, और आपको बिल्कुल नए तरीके से अपलोड करना मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, और आपको थंबनेल और बैनर और SEO क्या होता है उस सब चीज़ के बारे में आज मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। तो गाइस, अपलोड वीडियो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी वीडियो जो आप अपलोड करने वाले हो, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस, आप लोग यहाँ पे गलती करते हो टाइटल्स में। तो गाइस, आप लोग सोचते हो कि यहाँ से मैं इसको अनलिस्ट करके इसको मैं अपलोड कर दूँगा और जाके YT स्टूडियो में मैं इसको, अपने YT स्टूडियो में जाने के बाद मैं इसको जो भी है टाइटल और डिस्क्रिप्शन भर दूँगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप लोगों को जब आप लोग यहाँ पे अपलोड करते हो पिक्चर, आप लोगों को यहीं पे अपना टाइटल भर लेना चाहिए, और सभी लोग भर भी लेते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप यहाँ से टाइटल भरने के बाद अपलोड करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा अपलोड लेने में थोड़ा टाइम लेती है। वो इसलिए लेती है कि आप लोग जो भी आप लोगों का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग वो आपकी वीडियो को आगे भेज सकें, लोगों के पास आपकी वीडियो जानी चाहिए, उन्हें रिकमेंड कर सके। तो गाइस, यहाँ पे हम सिंपली टाइटल लिख लेंगे अपना। तो मैं लिख लेता हूँ YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग, YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग, और इसके साथ में लिख लेता हूँ YT स्टूडियो कैसे चलाएं। ठीक है गाइस, सिंपली हमने इतना लिख लिया है। अब गाइस, इसको आप कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, आप लोगों को नहीं पता, तो आप सिंपली इसे कॉपी करें और आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ पेस्ट करनी है, यही चीज़ आपको पेस्ट करनी होती है जो कि आप अपने टाइटल में लिखते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हो 5000 वर्डिंग का है, तो अभी है आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन को आप YT स्टूडियो में से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइटल यहाँ से ही अपलोड करना होता है, इसीलिए आपकी जो वीडियो है वो वायरल नहीं होती, आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, वो इसी कारण। तो गाइस, सिंपली हम यहाँ से अपना थंबनेल भी लगा लेते हैं। तो मैं अभी कोई भी थंबनेल लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप कैसे थंबनेल लगा सकते हैं। तो गाइस, सिंपली ये थंबनेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हमने डन किया, ये अपलोड हो चुका है। तो ये थंबनेल हमने डन कर दिया है। तो ये थंबनेल डन होने के बाद अब गाइस, आप कुछ गलतियां करते हो जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं। आप इसको अनलिस्ट की जगह प्राइवेट करके भी आप अपलोड कर देते हैं, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप पब्लिक पे भी इसको डायरेक्ट
अपलोड ना करें, आप पहले इसको अनलिस्ट रहने दें और आपको मैं आगे जानकारी दूंगा कि आप कब इसे पब्लिक करेंगे। तो गाइस यहां से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको यहां ऑडियंस पे आना है। ऑडियंस पे भी आप बहुत सारी गलती कर देते हो। आपने यस पे टिक किया होता है तो इसको आपको नो पे टिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी नो पे टिक करना है। तो इसको होने के बाद आप लोगों को सिंपली अपलोड कर देनी है ये पिक्चर। तो ये वीडियो मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारी वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो चुकी है, जो कि ये कुछ देख रहे हो आप, ये हमारी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है, ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। तो गाइस इसे हम अपलोड होने देते हैं, तो हम चलते हैं आगे, आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो गाइस सिंपली आपको मैं बताता हूँ, अगर टाइटल बनाना नहीं आता लेकिन आपको पता है कि आपकी जो वीडियो है वो इस कैटेगरी की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप वहाँ से आप अपने लिए टाइटल चूज़ कर सकते हैं। आप अपने चैनल पे आएँ, चैनल पे आने के बाद टर्न ऑन पे इस पर क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ सर्च के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने जो वीडियो है उसके बारे में सर्च करना है। जैसे ये आपकी वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर आपने बनाई है, जैसे आपने बनाई है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो गाइस इतना आप सर्च करेंगे। इसके बाद तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने खुल के आ चुके हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2023, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब उस पर आपको एक और टाइटल लिखना है कि सब्सक्राइबर कैसे गेन करें। तो गाइस सिंपली ये दो तीन जो आ चुके हैं हमारे सामने सब्सक्राइबर कैसे गेन, तो ये गाइस दिख रहा है आपके सामने सब्सक्राइबर कैसे गेन करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सिंपली उसको किसी भी कॉपी पे या नोटबुक पे आप पहले लिख लें, या फ़ोन की नोटबुक में आप पहले उसे लिख के कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद आप उसको अपने टैग में और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं और टाइटल में। तो यहाँ से होने के बाद गाइस हम देखते हैं हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हुई या नहीं हुई। तो हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं हमारी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है या नहीं वीडियोस। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप नो व्यूज़, ये मैंने अनलिस्ट कर रखी है, तो ये अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ से अब हमारा प्रोसेस हुआ 50% कम्प्लीट। तो गाइस इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आपको चलना है सिंपली YT स्टूडियो अपना ओपन करना है। तो YT स्टूडियो हम अपना ओपन कर लेते हैं। तो गाइस YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। तो गाइस आप अपने YT स्टूडियो में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि YT स्टूडियो की न्यू एडिटिंग हमारी वीडियो सबसे ऊपर आ चुकी है। तो गाइस यहाँ से हम सिंपली अपनी वीडियो को एडिट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एडिट आप कैसे करेंगे। तो आप
आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लगानी है, जो कि आप उसमें अपने चैनल का लिंक और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो मैं जैसे कि अपने यहाँ से जो मैंने अपने जो मेरी वीडियोस हैं उनके मैंने लिंक कॉपी करके रख रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से उन वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं उन्हें कॉपी करके और यहाँ पे मैं उन्हें पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस सिंपली ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसके नीचे अब हम अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को क्रोम ओपन कर लेना है। तो क्रोम पे आने के बाद अब हम सिंपली सर्च कर लेंगे गूगल कीबोर्ड सर्च टूल। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जो हम कि अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम सिंपली सर्च कर लेंगे हमारी वीडियो किसके लिए थी। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को देख लेंगे YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग। तो गाइस सिंपली आपको यहीं लिखना है। उससे पहले आपको गूगल की जगह यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है और अब आप यहाँ पे लिखेंगे YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग। तो आप लोगों को यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेनी है, उसके बाद ये इंग्लिश और सर्च। तो गाइस सर्च होके कुछ हमारे पास ऐसा, तो गाइस ये सर्च होने के बाद कुछ ऐसा टाइटल आप लोगों के सामने ओपन होगा, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ YT स्टूडियो न्यू सेटिंग YT स्टूडियो में एडवांस सेटिंग कैसे करें। तो गाइस इस सभी आपको इन टैग्स को सभी को यहाँ से कॉपी कर लेना। सिंपली यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको सीधा अपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को बैक जाना है और यहाँ से आप लोगों को सेव कर देना है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो भी आप पेस्ट करेंगे उसको आप उसी टाइम सेव करते रहें, सेव नहीं करेंगे तो वो रिमूव हो जाता है। तो अभी हमने कुछ वहाँ से टैग्स उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो अभी हम दोबारा से वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अब हम हिंदी में लिखेंगे, अपने दूसरे टेक्स्ट को लिखेंगे जो कि था कुछ YT स्टूडियो। तो गाइस दूसरा हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से था, तो हम देख लेते हैं। बाद अपनी लाइब्रेरी में आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको और क्या क्या वीडियो अपलोड करते टाइम ध्यान रखना है। यहाँ पे हम टैग अपना ऐड कर देंगे YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग। ओके गाइस जो आपके टाइटल में है वही आप यहाँ पे लिखें, YT स्टूडियो कैसे चलाएं चलाएं। तो गाइस ये दो टैग हो चुके हैं। उसके बाद बैक आके हमें सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों को ये हो चुका है 80% प्रोसेस। ओके गाइस अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को सिंपली चलना है vidIQ, इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। गाइस ये यूट्यूब से सर्टिफाइड है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो गाइस इस ऐप में आने के बाद आप लोगों को यहाँ से डेली बेस के आइडियाज़ मिलेंगे,
प्लस यूट्यूब पे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे आप लोगों को शो होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट जल्दी वायरल करो, तो गाइस अगर आप लोगों को ये पता होगा कि शॉर्ट्स भी अब 1 फरवरी से 10 मिलियन अगर आपके शॉर्ट्स पे व्यूज़ आए और 1000 आपके पास सब्सक्राइबर हैं तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपना चैनल। प्लस आपके जो शॉर्ट्स हैं उस पर ऐड लगेंगी, ऐड लगने के बाद जो ऐड का पैसा होगा उसका 45% आपको मिलेगा, 45% यूट्यूब रखेगा, 10% उसका जो म्यूज़िक कंपनी है उनको यूट्यूब देगा। तो गाइस यहां से आप देख सकते हैं YT स्टूडियो की न्यू सेटिंग, तो इसको हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ SEO स्कोर इसका क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ओके है, टैग हमारे पास टैग्स ये ऐप हमें खुद ही देता है, तो यहाँ से हम इन टैगों को ऐड कर लेते हैं, इन टैगों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, इसको आपको करता रहना है। SEO स्कोर आपका जब तक 80 या 100 के करीब ना पहुंच जाए तब तक आपको करते रहना है, और आपको यहीं से SEO जो है आपका अच्छा होगा और आपको पता चलेगी कि आपकी वीडियो पे। गाइस अब हम सिंपली इसका देख रहे हैं SEO स्कोर जो भी है ये बढ़ता जा रहा है, तो जब इसका 50 से ऊपर SEO स्कोर हो जाए उसके बाद, तो गाइस यहाँ से इतना हो चुका है, इसे पब्लिश हम कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे आ जाना है और SEO स्कोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग काउंट, 4 हमने टैग लगाए हैं जिसका ये 4 ये 5 दे रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अभी कुछ नहीं, 0 दे रहा है। तो हम चेकलिस्ट में अपनी आ जाते हैं, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि टाइटल आपका ओके है, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, टैग भी ठीक है, लेकिन क्लोज जो कैप्शन मैनुअल है वो गलत है, तो आप यहाँ से करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ बस। उसके बाद मेड पब्लिक, शेयर ऑन फेसबुक पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, एड वन टैग इन टाइटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपना SEO स्कोर बढ़ा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।